अच्छा बनाया काफी, और अब तो नया इनोग्रेशन भी कर दिया, तो बढ़िया यार, एक बार आ जाओ देखने को मिलेगा। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो गाइस, और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय जो कि दिल्ली में स्थित है, और इसके नियरेस्ट स्टेशन की बात करें मेट्रो स्टेशन की, तो वो पड़ता है आपको उद्योग विहार और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, या फिर आप लोक कल्याण मार्ग से भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको फीडर बस मिल जाती है जो कि सामने खड़ी है कुछ इस टाइप की, और बाकी क्या टिकट प्राइस है और अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। बेसिकली प्रधानमंत्री संग्रहालय तो सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होती है अंदर, और आप सब कुछ देख पाते हैं, और आप एक तरह से अनुभूति कर सकते हैं कि पुराना कैसा था, 90s वगैरह का प्रधानमंत्री का पूरा हिस्ट्री वगैरह आप जान सकते हैं यहाँ पर। बाकी अगर हम टिकट की बात करें तो यहाँ पे आपको टिकट ऑनलाइन देखने के स्टेप्स मिल जाएंगे, और इस टाइप से अगर यहाँ के टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक तो खुला रहता है, और यहाँ पे मंडे को ये बंद रहता है पूरी तरह से, तो आप मंडे को छोड़ के कभी भी आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे टिकट प्राइसिंग सामने लगा हुआ है, वीकेंड्स और वीक ऑफ में अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग भी अलग रहता है, और आप इनकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ भी आप टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन अगर बुक करके आना चाहते हैं, यहाँ लाइन में नहीं लगना, तो वो भी अवेलेबल रहता है उनकी प्रधानमंत्री संग्रहालय ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप बुक कर भी सकते हैं नॉर्मली। कर रहा था वो ये जा रही है, वो यही वाली बस है ग्रीन कलर की, जो कि आपको मिल सकती है उद्योग विहार या फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या फिर लोक कल्याण मार्ग, गेट नंबर 4 से मिल जाती है मोस्ट लाइकली, तो आप जब भी जाएं ये सारी चीज़ें चेक कर लें। और वैसे अगर मेट्रो स्टेशन से आप ऑटो से आना चाहते हैं या फिर किसी और चीज़ से, तो बहुत पास में ये 1 या 2 किलोमीटर के अंडर मेट्रो स्टेशन पड़ जाते हैं, जो कि 30-40 रुपये में ऑटो वाले भी आपको ईजिली छोड़ देता है। बाकी जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है वो पुरानी बिल्डिंग्स है, वो भी प्रधानमंत्री संग्रहालय, लेकिन जिसके जस्ट पीछे भी एक नई बिल्डिंग बनी है कुछ ही मतलब साल पहले, और उसका भी इनॉग्रेट हुआ था, तो वो भी देखेंगे आज। तो डिवाइडेड में पहले जो बिल्डिंग थी वो यही थी, और अभी नई नई बनी है, तो इसको भी पूरी तरह से देखेंगे। एक बार चलते हैं अंदर की तरफ और चेक इन करते हैं अंदर। बाकी टिकट लेके जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी आपको चार्ज करे मतलब देखेगी यहाँ पे टिकट ही, और अंदर चलेंगे। उसके बाद जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है वो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं इंट्रोड्यूस, यानी कि आपको प्रधानमंत्री के बारे में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रोटोटाइप बनाया है प्रधानमंत्री संग्रहालय का पूरा म्यूज़ियम का, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप प्रेसिडेंट म्यूज़ियम गए हैं तो आपको पता होगा भी बहुत बड़ा होता है वो भी, और अगर आपने प्रेसिडेंट म्यूज़ियम की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। बाकी अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम की, टिकट में बता चुका हूँ 100 रुपीज़। बाकी अभी अंदर की तरफ चलते हैं, भारत के संविधान वगैरह ये आपको सब देखने को मिलने वाला है। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी मतलब शौकीन है तो आप आई थिंक आपको ज़रूर जाना चाहिए, और बच्चों के लिए तो भाई मोस्ट वैल्यूएबल जगह है, उनको एक बार ज़रूर घुमाना चाहिए, कोई भी पेरेंट्स वगैरह मोस्ट रिकमेंडेड रहेगी भाई, क्योंकि हमें देखने को मिलती है हमारी पुरानी चीज़ें यहाँ पे, सारा का सारा शक्तियों का विभाजन, यानी कि पावर्स क्या क्या किन किन की हैं, किस प्रेसिडेंट क्या प्राइम मिनिस्टर कौन से मंत्री, वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या कैसा है। ये पूरा का पूरा संविधान रखा हुआ है भारत का, पुरानी जो भी चीज़ें वो यहाँ पे सारी की सारी रखी हैं। कोशिश करिए भाई यहाँ पे कि पुरानी चीज़ें हमें दिखाने को मिले। सामने आपको जो श्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर दिख रही है, और उनके बारे में पूरा यहाँ पे जीवन परिचय है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग से और उनकी डेथ तक, जो उनकी डेथ हुई थी, तो वो आप सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इस म्यूज़ियम में। घूमने को यार बहुत है। बाकी अभी आगे की तरफ चलते हैं भाई, और एक बार इधर देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे उनका बेडरूम है प्रधानमंत्री जी का, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इसी मतलब प्रोटोटाइप बनाया एक तरह से कि वो ऐसी ही जगह पर रहते थे। एक सिंगल बेड हुआ करता था और नॉर्मल सा रूम हुआ करता था, तो वो यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे इस टाइप से रहते थे श्री जवाहरलाल नेहरू भाई हमारे, काफ़ी अच्छे सबके सही थे भाई नेहरू जी थे, तो इनके बारे में काफ़ी बताया। ये यहाँ पे युद्ध जो हुआ था हमारा, वो इसके बारे में पूरा का पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। आपको मोस्ट लाइकली वीडियो में देख के बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुद से जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और वो चीज़ें आप देख पाएंगे अपनी आँखों से, तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर जाना चाहिए भाई एक बार। बाकी यहाँ पे पूरा का पूरा भाई जवाहरलाल नेहरू जी का दिखाया गया है, और उनकी डेथ जहाँ हुई थी मतलब किस टाइप से हुई थी, कैसे हुई थी, फ़ोटोज़ वगैरह जो है पुराने वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो ये पार्ट्स है वो है गिफ्ट सेक्शन, पूरा का पूरा गिफ्ट सेक्शन है, यानी कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते थे दूसरे देशों में तो वहाँ पर इनको गिफ्ट्स मिलते थे, तो वो सब यहाँ पर गिफ्ट दिखाए गए किसके द्वारा क्या क्या दिए गए हैं,
तो आप एक एक गिफ्ट को देख सकते हैं काफ़ी बारीकी सीखे थे कि किस प्रधानमंत्री को क्या गिफ्ट दिया गया था, और काफ़ी सुंदर सुंदर से और काफ़ी भाई एक्सपेंसिव गिफ्ट यहाँ पर देखने को मिले। काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ भी देखने को मिली भाई, जो यूनिक सी है, आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगी, जो कि यहीं देखने को मिलेगी भाई। आप एक एक गिफ्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, कहाँ से कौन सा आया है, अलग अलग देश से आया, कहीं यूएसए से, कहीं रशिया से, दूसरे नेपाल देश, मतलब अलग अलग देशों से गिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, और काफ़ी सुंदर से भी देखने को मिलेंगे। बाकी जो अभी दिखाने जा रहा हूँ भाई, वो है भाई श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि प्रधानमंत्री रह चुकी थी हमारी, उनका शयन कक्ष यानी कि बेडरूम है। उनका भी बेडरूम का एक तो प्रोटोटाइप बनाया है कि भाई इस टाइप से रहती थी भाई प्रधानमंत्री जी, और सामने बेड है उनका, इधर सोफे वगैरह पड़े हैं, तो एक टाइप से प्रोटोटाइप बना दिया है कि इस ऐसे माहौल में रहा करती थी। आई थिंक सो भाई झूठा सच, लेकिन हमें तो भाई ये दिया दिखाया है यहाँ पे। बाकी अभी आगे की तरफ चल लेते हैं, और गिफ्ट सेक्शन में काफ़ी आपको बड़ा रूम मिल जाएगा, तो गिफ्ट काफ़ी रखे हैं भाई यहाँ पे, और अलग अलग देश से रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जाके एक बार ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बाकी अभी चलते हैं भाई दूसरी बिल्डिंग की तरफ। हमने ये वाली बिल्डिंग पूरी एक्सप्लोर कर ली है, और बेसिकली इसमें जो था पुराने जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी उनके बारे में जीवन परिचय और गिफ्ट वगैरह रखे थे। बाकी अभी सामने वाली बिल्डिंग है जो कि इसके बाद बनी थी, उसको एक बार एक्सप्लोर करेंगे, और काफ़ी सुंदर सा बनाया है भाई उसका भी एक तरह से। यार बड़ा तो बहुत है भाई, अगर घूमने आ रहे हो तो टाइम तो चाहिए भाई आपको आने के लिए। क्या बोल रहा भाई? आपने अगर 100 रुपीज़ दिए हैं तो वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। अंदर आपको कैफ़े वगैरह ये सारी सुविधा आपको इधर मिलेंगी, उधर इस टाइप का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको कैफ़े वगैरह सारा मिल जाएगा, जैसे आप एंटर करेंगे तो काफ़ी अच्छी वाइब्स के साथ भाई ये आपको सीन देखने को मिलता है यहाँ पे। और सिक्योरिटी मना भी कर सकती है भाई कि कैमरे मत चलाओ, लेकिन जिसको दिखाना है ब्लॉग बनाना है वो तो बनाएगा भाई। लेकिन अब अंदर की चलते हैं, और यहाँ पे आपको जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन सबके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि किसका जीवन, किसका कार्यकाल कितना था, किसका जीवन काल कितना था, वो यहाँ पे सब कुछ नोटिस किया हुआ है, दिखाया है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आप टाइम मशीन के अंदर जा सकते हैं, यहाँ पे आप एक तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पे नया किया है, पुराना क्या था, और आगे क्या होने वाला है, वो सारी की सारी टाइम मशीन में आपको यहाँ पे दिखाया है कि पहले क्या था, किस युद्ध में क्या हुआ था। तो एक तरह से आप पीछे चले जाएंगे, यानी कि आप 90s का भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं यहाँ पे बैठ के आराम से कि पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, युद्ध में क्या हुआ था, तो सारी हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह चलती रहती हैं, तो आप ये भी सब देख सकते हैं पुरानी बातें, और आप बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करके भाई सुन सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगता है भाई। दूसरा हम सेक्शन में चलते हैं अनुभूति। अनुभूति का मतलब है यहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, लेकिन उसके चार्जेस अलग अलग होते हैं। आई थिंक फ़ोटो खिंचवाने के 50 रुपये होते हैं, मोस्ट लाइकली एक्टिविटीज़ के 50 रुपये ही होते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से आपको एक साइड बैठना होता है, दूसरी साइड ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री जी को बनाया गया है, और उनके साथ आपका फ़ोटो आ जाता है इमेजिनेशन करके। तो अंदर की तरफ चलते हैं भाई, और देखते हैं भाई क्या क्या है यहाँ पे। कुछ राइड यहाँ पे फ्री भी हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रही है ये वाली, इसके बारे में पूछेंगे भी। और एक दो राइड यहाँ पे दिख रही है, ये हाथ पकड़ने वाली, आई थिंक सो ये तो नॉर्मल सी राइड लग रही है। और जो बगल में राइड लग रही है वो ये वाली वॉक इन वाली, यानी प्रधानमंत्री जी के साथ आप वॉक कर सकते हैं। तो जो भी आपका फेवरेट प्रधानमंत्री है, जो आपको अच्छे लगते थे भाई, अच्छे लगते हैं, तो उनके साथ आप वॉक भी कर सकते हैं। इसका भी आई थिंक 50 रुपये ही है। इसके भी प्राइसेस हैं क्या? कितना इसका? फ्री ऑफ कॉस्ट का।
तो यहाँ जो भी है सबका फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर कॉस्ट है सबका। और जो एक राइड थी यहाँ पे हेलीकॉप्टर, उसके लिए वो नहीं है। यार फोटो डन, देख मेरा फोटो आ रहा है, तेरा फोटो आ रहा है। परी का ही मिलता है भाई। देश है वीर जवानों के, यह यूनिटी चेन भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो यार, बढ़िया तो है। ये रहा मैं, ये रहा हिमांशु, मैं नहीं जानता इनको। बाकी अगर आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे रिव्यू सेक्शन एक तरह से दिया है कि आपको क्या लगता है देश में क्या करना चाहिए। तो आई थिंक तो ये कभी चेक तो होता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं आपको जो भी लगता है। आगे की तरफ चलते हैं तो आपको फिर से एक अंडरग्राउंड टाइप का मिल जाएगा, कैफ़े वगैरह वो भी सब आपको देखने को मिलता है इधर। लेकिन हाँ, टाइम तो है, सेम टेक टाइम के अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे टाइम दे के घूमें, तभी आपको अच्छा लगने वाला है। ये प्रधानमंत्री जी ने जो एक ड्रेस पहनी थी, एक मतलब फाइटर जेट को उड़ाते हुए, तो वो यहाँ पर फ़ोटो दिखाया गया है। और आगे की तरफ अभी मोस्ट लाइकली यहाँ पर आपको सारा का सारा माननीय नरेंद्र मोदी के बारे में ही सुनने को मिलेगा, जो कि अभी फ़िलहाल भाई प्रधानमंत्री हैं हमारे। और मोस्ट लाइकली इनका ही आपको यहाँ पे जीवन परिचय, इनका कार्यकाल, सारी चीज़ें इनसे संबंधित इसी बिल्डिंग में आपको देखने को मिल जाती हैं। मोस्ट लाइकली इनके बारे में दर्शाया गया है इस वाली बिल्डिंग में पूरा का पूरा, और काफ़ी सुंदर से बनाया है भाई इस बिल्डिंग को भी। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, और भाई बच्चों के लिए फुल्ली रिकमेंडेशन है। यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हैं बच्चों के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपीज़ वर्जित होंगे अगर आप आ रहे हैं तो। बाकी भाई एक बार देख लीजिए, गैलरी वगैरह बनी हुई है और काफ़ी अच्छा अच्छा एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं, खेल में भी आपको यहाँ पे गेम दिख रहा होगा भाई, जॉयस्टिक टाइप का इधर आपको देखने को मिलेगी, मशीन टाइप की दिख रही हैं, हेडफोन्स लगे होते हैं, आप हेडफोन्स लगा कर सुन सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी काफ़ी भाई मॉडलाइजिंग टाइप से बनाया ये वाला म्यूज़ियम। मैंने प्रेसिडेंट वाला भी देखा है, लेकिन उससे ये काफ़ी मॉडलाइजिंग है, काफ़ी सीखने को मिलता है इस वाले म्यूज़ियम में। वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये काफ़ी मुझे मॉडलाइजिंग लगा है, काफ़ी मॉडर्न है उससे जो कि प्रेसिडेंट वाला है। देखो आप ये जॉयस्टिक भी जॉयस्टिक से दिखाया गया, एक गांव का पूरा सीन है, राशन पानी मतलब एक तरह से वही चीज़ें दिखाई गई जो कि इन्हें दिखाना है भाई। आगे चलेंगे तो भाई यहाँ पे कुछ प्रोटोटाइप्स देखे हैं भाई, जो कि अपने इंडिया की कुछ फेमस इमारतें हैं, जैसे गेट ऑफ इंडिया हो गया, अपना कोलकाता का ब्रिज हो गया, इंडिया गेट हो गया इधर, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और यहाँ पे मिसाइल से संबंधित, यानी कि अग्नि जो मिसाइल थी उसका प्रोटोटाइप छोटा सा रखा हुआ है। तो आपको देखने को, सुनने को, समझने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप छोटे बच्चों को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं घूमने के लिए, बच्चों की टिकट प्राइस भी कम होती है। अगर आप 20 या 25 के साथ आ रहे हैं तो 25% ऑफ भी हो जाता है, आई थिंक सो। कहने का मतलब मेरा ये, आपको आना चाहिए, काफ़ी न्यू चीज़ें हैं भाई यहाँ पे देखने को। ये आपको ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है टोटल ऑफ भाई, चीज़ें तो बहुत है यार यहाँ पे देखने को, तो आप आ सकते हो भाई। स्पेशली ना बच्चों को तो ज़रूर आना चाहिए मेरे हिसाब से। रिकमेंडेशन यार अच्छा बनाया काफ़ी, अब तो नया इनॉग्रेशन भी कर दिया, तो बढ़िया यार, एक बार आ जाओ देखने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया। बाकी यहाँ पे दिखाया है भाई जय जवान जय किसान, यानी एक तरफ है किसान एक तरफ है जवान, और इधर भी आपको LEDs पैनल्स लगे हैं, आप सबको टच करके देख सकते हो, फील कर सकते हो, और एक तरह से नेक्स्ट कर करके उनके बारे में पढ़ सकते हो। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप मतलब ये काफ़ी बड़ा, मैं पहले बोल चुका हूँ काफ़ी बड़ा है, तो घूमने में आपको टाइम तो लगेगा, तो जब भी आप आए तो भाई टाइम लेके आइए, जल्दबाजी करके देखेंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा।
बाकी हर तरफ यहाँ पर लिफ्ट्स वगैरह लगे हैं ऊपर नीचे जाने को, तो जो भी भाई ओल्ड एज हैं तो वो ऐसा नहीं है कि उनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम होगी, उनके लिए भी काफ़ी ईजी होगा। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ भाई, आप घूम घूम के थक भी सकते हैं, तो यहाँ पर कैफ़े की व्यवस्था भी है, तो आप कैफ़े भी जा सकते हैं। मैं तो नहीं गया था हालांकि, लेकिन आपको अगर जाना है खाने पीने तो आप कैफ़े भी जा सकते हैं और नॉर्मल आप यहाँ पे वक्त बिता सकते हैं भाई। बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक बार के लिए फील हो जाएगा भाई कि आप पुरानी दुनिया एक बार देख चुके हैं। हमने नहीं देखी जो आजकल के बच्चे हैं भाई, नॉर्मल सी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें उनको देखना चाहिए। और मैंने फील भी किया था, काफ़ी नए बच्चे थे, पूरा घूम लिया, बढ़िया था। कैसा लगा भाई आप? बहुत बढ़िया, बढ़िया था मेरे हिसाब से। अगर अगली बार आओ ना तो मेरे साथ ही आना, ठीक है? बाकी अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बाय बाय।